रिश्ता एक किताब की तरह होता है और गलती एक पन्ने की तरह। कभी भी आपसे गलती हो तो एक पन्ना फाड़ना, एक गलती की वजह से पूरे किताब को मत फाड़ना। हाय गाइस, मैं प्रदीप, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी। एक गांव का सबसे गरीब व्यक्ति, उस फैमिली में तीन लोग रहते हैं, पति पत्नी और एक लड़की रहती है, उसकी बच्ची। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रहता, वो एक दिन खाता और एक दिन के लिए तरसने रहता है। उनका पति का जॉब नहीं लगता। उनकी जो पत्नी रहती है, हर हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती है, हे प्रभु मेरे पति का जॉब लग जाए। उनकी जो लड़की रहती है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाती है, तो उन लोगों का कपड़ा रहन सहन बहुत ही अच्छा दिखता है। अपने भी पिताजी को लड़की प्रतिदिन कहता है, पापा मेरे पास कब अच्छा घर होगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा होगा। उनका जो पापा रहता है, अपने बेटी को खुश करने के लिए पहाड़ पर घुमाने के लिए के चले जाता है। और चले जाने के बाद अपने बेटी को कहते हैं, बेटी जो पहाड़ जो देख रही है ना, इस पे ऊपर वाला रहता है। उनकी बेटी इस बात को देखकर बहुत ही खुश होता है और खुश होने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे पिताजी का जॉब लग जाए। थोड़ी दिन के बाद उसके पिताजी का जॉब लग जाता है। जॉब लग जाने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो जॉब फौजी का होता है। वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, घर का माहौल बहुत ही खुश होता है, घर में मिठाइयाँ बरतते हैं, बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद उस देश पे जंग फिरकता है और जंग फिरकने के बाद इस व्यक्ति को कॉल आता है और वहाँ पे इसे जाना होता है। जब इस बातों को उनके फैमिली में सोचता है तो सब लोग परेशान होते हैं, हताश होने लगते हैं, रोने लगते हैं। मैंने भगवान से आप लिए कौन सी जॉब मांगी? उनकी जो बेटी रहती है भगवान से बोलता है कि मैं कौन जॉब मांग लिया, पिताजी आप इस जॉब को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा जॉब ढूंढिए, आप मत जाइए हम लोग को छोड़ के। जंग है, क्या होगा नहीं होगा, लौटिएगा कि नहीं लौटिएगा, लेकिन उसे जाना रहता है। उनकी जो बेटी रहती है बोलता है, पापा पापा आप जाते हुए मेरे लिए एक काम कर लीजिएगा। बोलता है, कौन सी काम बेटी बताओ। और बताने के बाद उसकी बेटी उस एक चिट्ठी देती है, उस चिट्ठी पे लिख देता है, हे ऊपर वाले मेरे पिताजी को युद्ध से सही सलामत लौटाइएगा। चिट्ठी दे देती है और दे देने के बाद वो घर से निकल जाते हैं। और निकल जाने के बाद पहाड़ पर जब जाता है तो वहाँ से उनका राज रहता है खत्म होने वाला रहता है। वहाँ पर एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस रहता है। वो सोचता है, अब तो ये पुर्जी ऊपर वाला तो यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे तो ऊपर वाला रहने देता है, हमें इसी पुर्जी को इसी पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। उस पुर्जी वजन का पुर्जी रहता है, चिट्ठी रहता है, उसके पीछे में लिख लेता है, बेटी यहाँ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ़ करना। और देने के बाद, जमा करने के बाद चले जाता है। उस राज पे करीबन 3-4 महीना युद्ध चलता है। युद्ध चलने के बाद जिस टुकड़ी में इनके पिताजी रहते हैं, उस टुकड़ी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब ये बात गांव में फैलती है तो उनके घर में सन्नाटा लगते हैं, रोने लगते हैं सब लोग, जो क्या होगा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति लटाए घोटाए कपड़ा फटा चिटा पहन के लौटता है और गेट खटखटाता है। और गेट खटखटाने के बाद उनके पिताजी रहता है, वो उसमें से लौटे रहते हैं जिन टुकड़ी में बंदी बना लिया रहता है इनके पिताजी सबका। इनके पिताजी किसी तरीका से उस टुकड़ी में से भाग जाते हैं, बंदी बना तो भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद आता है, गेट खटखटाता है और खटखटाने के बाद गेट खोलता है। इसका बेटी जो रहते हैं पहचान जाते हैं, अपने पिताजी को गले लगते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और खुश होने के बाद एक पिता और बेटी का मिलन होता है। और मिलन होने के बाद एक उसमें तीसरा व्यक्ति आता है, वो पोस्ट ऑफिस वाला, जो चिट्ठी उसने उस दिन जमा किया था, चिट्ठी लेके आता है और उसे बोलता है, ये चिट्ठी आपके घर पे इसीलिए लेट हो गया आने के लिए, बहुत ही समस्या गंभीर था पहाड़ पे, इसीलिए नहीं आ पा रहा था, इसीलिए चिट्ठी रुक गया था वहीं पे। उनकी चिट्ठी, उनके पिताजी वो चिट्ठी लेते हैं और बहुत ही खुश के साथ पढ़ते हैं। और उनकी बेटी लिखी रहती है, हे ऊपर वाला मेरे पिताजी को जंग में किसी तरीका से ज़रूर लौटाइएगा, अच्छी तरीका से। ये लोग इस बात को पढ़ के बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी ये स्टोरी बहुत सारे बातें सिखाती है। अगर आपको ऊपर वाला पे बिलीव भरोसा विश्वास है तो हर हमेशा ऊपर वाला पे बिलीव भरोसा बनाए रखिए। आपका जो भी मन्नत है ज़रूर एक दिन ज़रूर पूरा होगा।